नमस्कार। देश में जहां एक तरफ बेरोजगारी की बाढ़ आई हुई है, युवा इधर से उधर भटक रहे हैं और उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही है। ऐसे में बेरोजगारों को बैसाखी बनकर सहारा देने के लिए जौनपुर के रमेश मौर्य खड़े हुए हैं। इन्होंने रोजगार देने के लिए जॉब फिकर नामक पोर्टल खोला है। जौनपुर के वाजिदपुर तिराए पर खुले इस प्रतिष्ठान को लेकर क्षेत्रीय लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जॉब फिकर का उद्घाटन नायब तहसीलदार श्री अजय कुमार मौर्य के कर कमलों द्वारा किया गया। देखें हमारे संवाददाता नरेंद्र मौर्य की यह रिपोर्ट। jobfikr.com का ओपनिंग में माननीय नायब तहसीलदार अजय कुमार मौर्या जी से आज हम बात करना चाहेंगे कि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज रोजगार के लिए बच्चे परेशान होते हैं, हम सर से जानना चाहेंगे कि इस प्लेसमेंट के माध्यम से बच्चों को बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है। सर, बहुत बढ़िया प्रयास है मौर्य जी का, jobfikr.com क्या जौनपुर क्या पूरे पूर्वांचल के लिए ये बहुत बढ़िया चीज है और पहली बार ऐसा हो रहा है और सबको बहुत लाभ होगा, क्योंकि लोगों में युवाओं में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है और आजकल काफ़ी जो है फर्जी साइटें भी हो रही हैं, उसमें भी ये सहयोग करेंगे, देखेंगे कौन सही साइट है, सही जॉब दे रही है और लोग फर्जीवाड़े से बचेंगे और लोगों को बहुत फायदा होगा। इसमें बहुत अच्छा प्रयास है और इसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है और हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और बहुत अच्छी बात है। आइए हम बात करते हैं नीलेश कुमार डांगी से, जो जॉब फिकर के ब्रांच मैनेजर हैं, और इस जॉब फिकर से क्या बेनिफिट होने वाला है जो बेरोजगार हैं और कैसे यहाँ पे उनको रोजगार मिल सकता है, हम बात करना चाहेंगे यहाँ के ब्रांच मैनेजर नीलेश कुमार डांगी जी से। तो सर आप बताइए इससे क्या फायदा होगा बेरोजगारों के लिए। नमस्कार, मैं नीलेश कुमार डांगे आप सभी का नए वर्ष के हार्दिक स्वागत करता हूँ और अपनी कंपनी जॉब फिकर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर, ये जॉब फिकर जो है ये एक पोर्टल है, जॉब पोर्टल है, जिसके तहत जितने भी हमारे युवाओं हैं गाँव समाज में हैं जो कि सही जगह पहुँच नहीं पा रहे हैं, उन्होंने उपलब्धियाँ हासिल की है, उन्होंने कुछ टेक्निकल नॉलेज लिया है और डिग्रियाँ लिया है, उन्हें मतलब एक जॉब नहीं मिल पा रहा है, कारण ये है कि वो उस जगह तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमारी कंपनी जो है वो ऐसा प्लानिंग किया है जिसके तहत गांव-गांव तक जाके हमारे जो फील्ड ऑफिसर हैं गांव-गांव तक जाके लोगों से मिलते हैं, उन्हें जॉब के लिए बताते हैं, समझाते हैं कि हमारे किस तरह की वर्क करती है और उनसे अपना फॉर्म फिल करवाते हैं, इसके बाद उन्हें जो है कि शहरों में या उनके जो भी लोकेशन है वहाँ पर अच्छी जॉब उनको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिससे युवाओं में बहुत ही उत्साह है और जहाँ भी हमारे लोग जा रहे हैं सकारात्मक रिजल्ट आ रहा है। कल के डेट में ऐसा माना जा रहा है कि हमारी कंपनी जो है कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही ऊंचाई तक जाएगी और ऐसे ऐसे लोग जो कि प्रतिभा छुपा के रखे हैं उन्हें प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है और बेरोजगारी जो है दूर हो रही है। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें किस तरह से जॉब मिल सकता है जो बेरोजगार है। हाँ सर, एक्चुअली क्या है कि जो भी बेरोजगार है वो कुछ कारण है जिसकी वजह से वो बेरोजगार है, क्योंकि आज के डेट में हर किसी के अंदर एक प्रतिभा होता है, कला होता है, कोई हुनर करके बैठता है, कोई बढ़िया लेकर बैठता है, बस आवश्यकता होता है उसे जगह लेके। हमारे जितने भी फील्ड ऑफिसर्स हैं वो उनको उनके जो उन्होंने जो डिग्री लिया है उनसे और उनके अंदर जो प्रतिभा छुपा है उनसे परिचित करवाते हैं और उनसे फॉर्म फिल करवा के और उन्हें जॉब करने के लिए बताते हैं, समझाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को